श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन बुकुर सुधार, वरणव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरव कलेश विकार। नमस्कार, मैं हूँ शेफाली। हम हनुमान प्रकट मंदिर में आए हुए हैं, यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अचानक एक ऐसा दिन आया था जब धरती फाड़ कर हनुमान जी प्रकट हुए थे। हनुमान जी की स्थापना मन्नत बाबा ने की है। मन्नत बाबा से हम बात करेंगे, हनुमान जी प्रकट हुए, उनकी महिमा क्या है, यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि इस मंदिर में आकर भक्त जो मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मन्नत बाबा भी जिसको आशीर्वाद देते हैं उसको ऐसा लगता है ज़िंदगी के सारे गम सारे दुख आज की तिथि में खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही शुभ मंदिर में आज हम आपको लेकर आए हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि इस मंदिर की हनुमान जी की क्या महिमा है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ हनुमान जी खुद प्रकट हुए हैं। कहते हैं सच्चे मन से भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिंह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। भोपाल से बहुत करीब सूखी सेवनिया क्षेत्र में पौधारोपण हो रहा था कि अचानक औजार के पत्थर से टकराने की आवाज आई। सभी ने पत्थर से मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। बात हनुमान भक्त मन्नत बाबा तक पहुंची। बाबा ने देखा तो भाव विभोर हो गए। होते भी क्यों ना, पूरी जिंदगी जिनकी आराधना की, जिनकी साधना की, जिनका ध्यान किया, जिनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो प्रभु श्री हनुमान स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा था तो यहाँ पे चूंकि मध्य भारत में जब जमीन को खोदा जाता है पत्थर बहुत निकलते हैं, तो अचानक एक ऐसा पत्थर निकला जिस पे कुछ शिल्प था। तो लोगों ने कौतूहलवश पूछा कि भाई ये क्या है। तो जब उसको एक्सप्लोर किया गया तो उसको देखा गया खोल के, तो भगवान का चेहरा था। तो धीरे धीरे ये माना गया कि इस एरिया में, चूँकि ये एरिया जो है सिल्क रूट पर है जो चाइना से चल के बनारस तक जाता था और काशी विदिशा और उज्जैन इन जगहों पर भी जाता था, तो यहाँ पे प्राचीन काल की मूर्तियाँ बहुत थी, खास तौर पे ग्रीक इंडो इफेक्ट की मूर्तियाँ या हेलेनिस्टिक मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने अनुमान लगाया कोई पुरानी मूर्ति होगी जो खंडित होगी। तो फिर मैंने कहा भाई इसे निकाल के किनारे रख दो, मैं यहाँ था नहीं। लेकिन जब आने के बाद मैंने उसका परीक्षण लिया तो मैंने पाया मूर्ति तो पूरी साबुत है। तो फिर जो प्रभु प्रकट हो गए तो फिर इसके बाद कुछ कहने की अनिवार्यता ही नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमुद निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, काने मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हम आपको बताते हैं कैसे पहुँचे मन्नत बाबा उस पवित्र स्थल पर जहाँ भगवान श्री हनुमान जी प्रकट हुए थे। दरअसल मन्नत बाबा ने वही एक आश्रम का निर्माण शुरू किया। मन्नत बाबा की कल्पना एक भव्य मंदिर बनाने की थी। उस मंदिर में वे श्री हनुमान जी को ही विराजमान कराना चाहते थे। तो हृदय में एक आकांक्षा है कि हमारे पास एक हिंदू होमलैंड में एक बड़ा मंदिर हो। तो पहले तो हम एक विशाल मंदिर बनाएंगे। जो हमने एक आइडिया कंसीव करा है मंदिर का, एक विचार हमने सोचे हैं, वो लगभग एक एकड़ के कारपेट एरिया में तो मंदिर बनाएंगे और उसके दोनों तरफ एक एक एकड़ में अशोक वाटिका जैसी संरचना तैयार करेंगे, जो एक मैंने एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के टीचर से सहयोग लिया है, प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्ट से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल लुक का जो है दोनों तरफ उसके लैंडस्केप डिज़ाइन करेंगे, तो आप उसमें आएंगी तो आपको लगेगा टूरिस्ट वैल्यू की भी जगह और प्रभु का तो स्थल है ही है। तो मैं उसको मिक्सअप करना चाहता हूँ, पिलग्रिमेज प्लस टूरिस्ट वैल्यू दोनों को मिला देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर, प्रभु चरित सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सच्चे मन से मन्नत बाबा ने संकल्प लिया और भक्त की इच्छा जानकर भगवान श्री हनुमान स्वयं प्रकट हो गए। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है, जो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट दो आधार पे इसका मूल्यांकन करते हैं, तो कार्बन डेटिंग करें और दूसरा जो उसके अंदर जो मूर्ति का शिल्प है उसके आधार पर ये ग्रीक इंडो इफेक्ट की मूर्ति है। तो ग्रीक इंडो इफेक्ट की जो मूर्तियाँ होती हैं वो गांधारा आर्ट में मथुरा आर्ट में बनाई जाती रही होंगी, तो उसी इफेक्ट का अगर आप देखें तो प्रभु का जो जबड़ा है जॉ है बड़ा वाइडन जॉ है या उनका जो मुकुट है छोटा है, तो ये ग्रीक इफेक्ट की मूर्ति है। तो ऐसा लगता है 2,500 साल पुरानी तो होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको बताऊँ हनुमान जी के 4-5 स्वरूप ही प्रचलन में हैं।
एक तो पहाड़ लेके चल रहे हैं भाई, हनुमान जी को शाहरुख खान तो है नहीं कि हर हरे के रूप में उन्होंने फोटो खिंचवाया होगा, तो प्रचलन में रूप है या तो ध्यान मुद्रा का है या अभय मुद्रा का है। ये अभय मुद्रा की मूर्ति है, कई बार हनुमान जी की मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में मिलती हैं, कई बार वो पहाड़ लेके हनुमान जी चल रहे, कई बार सिर्फ गदा के साथ मिलते हैं। तो जो चार पांच एक स्ट्रक्चर्ड मूर्तियां हैं उन्हीं में से तो एक होगी ना। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि अति सहारे, रामचंद्र जी के काज सवाले। श्री राम के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान ने अपने भक्त मन्नत बाबा को जरिया बनाया और मन्नत बाबा ने भी बिना देर किए मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। तब की मैं 18 साल से बीमार था, तब प्रभु प्रकट हुए 2019 में। तब मैं इस गड्ढे के अंदर उतर गया, नहीं चढ़ पाया। तब मुझे चंदू है नहीं ड्राइवर, उनने हाथ पकड़ के बाहर खींचा। तब मैं बाबा जी वहाँ कुर्सी लगाए हुए बैठे थे, उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा क्या है? तो मैंने कहा बाबा जी क्या क्या बताऊँ, मेरा दिल भी घबराता है, ब्लड प्रेशर भी हाई है और मेरे पेट भी फूलता है। तो मुझसे बाबा जी कह रहे कि बोले बेटा तुम ठीक हो जाओ। तो मैंने कैसे शक किया, तो बाबा जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के पश्चात 8 रोज में मैं प्रभु के समक्ष आ गया। तो हमारे गुरुजी के पास रोग टीबी कैंसर और गुप्त रोग हैं, वे सभी चले जाते हैं। इसलिए प्रभु मन्नत बाबा जी की कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ, 18 साल बीमार रहा, ताकि मैं इतने रेंगल लगूँ बोझ बहुत। अच्छे अच्छे दारू वाले छोड़ के चले गए यहाँ, और जिसके मन में नहीं है वो तो छोड़ ही नहीं सकता है। तो इन्हीं की कृपा मन्नत बाबा जी के ऊपर, तो बाबा जी की कृपा भक्तों के ऊपर। जो श्रद्धा मनोकामना लेके आता है उसकी निश्चय ही प्रकट हनुमान जी पूरी करते हैं, और आत्मा में तो पर कुछ भी हो। इसलिए यहाँ की महिमा जिस समय ये प्रकट हुए थे उस समय जहाँ से लेकर रोड तक कताल लगे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपत कीनई बहुते बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। प्रकट हनुमान के नाम से इस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है। पूरे देश से भक्त मन्नत बाबा के आश्रम में बने मंदिर में भगवान श्री हनुमान के दर्शन करने आते हैं। हम लोग आस्थावान देश में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नास्तिक रह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा आने दो, लोगों को दर्शन करने दो। दूसरी बात, ये ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मूर्ति जमीन से प्रकट हुई। तो ये तो मैं तो कहूँगा ये यूनिक सी बात है कि प्रभु प्रकट हुए, लोगों के दर्शन करने आ रहे हैं। सहस पदम तुम रोज अस गावे, अस कंसी प्रतिकंठ लगावे, संकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। भक्त भगवान श्री हनुमान के दर्शन कर मन्नत बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्त कहते हैं कि मन्नत बाबा पर भगवान श्री हनुमान जी का प्रताप है। जब मन्नत बाबा का आशीर्वाद मिलता है तो सारे कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मंदिर से पहले मैं जहाँ प्रकट हुए उन संत के बारे में तो थोड़ा बताना चाहता हूँ। मुरीम में ये संत जो है हनुश्री जी महाराज नाम है इनका, मन्नत बाबा उनको बोलते हैं। ये बेसिकली MBBS MD FRCS है, अमेरिका से डॉक्टर थे। वहाँ से आकर उन्होंने अपनी यात्रा हिमालय से लेकर यहाँ तक यात्रा की, जो हमने 2006 में दीक्षा जब ली थी तो बाबा के चमत्कार से ही मैंने दीक्षा ली थी। और चमत्कार ऐसा चमत्कार नहीं था कि मैं स्वयं एक चमत्कार की दृष्टि से खड़ा हुआ हूँ। 2006 में मेरा लीवर खराब हुआ था, लीवर की स्थिति ख़त्म थी, और आज मैं आपके सामने 20-21 साल हो गए वैसे ही खड़ा हूँ जैसा हूँ। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि किस संत के घर में बाबा ने प्रकट हुए हैं, कैसे आए हैं, तो उनकी महिमा तपार होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मंदिर तो हनुमान जी स्वयं आए हैं, लेकिन इससे पहले जो पुजारी यहाँ है, जो उनके संत हैं, जो पहले ही जिन्होंने सोच लिया होगा कि हमें जहाँ जाना है वो वहाँ आ गए हैं। जब दोनों ही चीज़ें आपको मंदिर वैसा मिल गया, पुजारी भी वैसा मिल गया, संत भी वैसा मिल गया, तो इस एरिया का जो है ना भोपाल के एरिया का, ये वाकई में आपको वृंदावन से अच्छा स्थान आप याद करेंगे कि हम जब भगवान के यहाँ जाते हैं वृंदावन में तो राधे राधे कह के, तो यहाँ जो आएगा वो हनुमान जी कह के जाएगा। सबका काम निश्चित विश्वास करिए, जो मांगेगा जब मन्नत बाबा की पूर्ति होती है तो जो स्वयं हनुमान है, स्वयं भगवान है, तो इनसे मांगने में किसकी कमी रह जाएगी। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद के सके कहा थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद देना। हनुमान जी की कृपा रंक को राजा बना देती है, उस पर अगर गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो सफलता का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरे ऊपर तो गुरु जी की असीम कृपा, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, थोड़ा अपना एक अनुभव बता दूँ।
सन 2000 में मेरे ऑटोमोबाइल की दुकान थी, वो धीरे धीरे होते हुए ख़त्म होते चली। मैं बहुत ही एकदम आर्थिक रूप से नीचे गिरते गया। ऑटोमोबाइल से मैं साइकिल स्टोर पर आ गया। साइकिल स्टोर नहीं चल रहा था तो पंचर तक मैंने बनाया हूँ। मैं शराब पीने लगा और मैं डिप्रेशन में चला गया था। इस बीच में गुरुजी से मेरी पत्नी ने मेरे को गुरुजी के पास ज़बरदस्ती ले गई। मैं मना कर रहा था कि मैं कोई गुरु रूप नहीं आता। मैं उनके पास गया, गुरुजी ने मुझे उन्होंने बोले थे सिर पर हाथ रखे कि 16 मई से आपका बहुत अच्छा समय चालू हो जाएगा। वो मेरे गुरुजी, मैं गुरुजी के बाद उन्हीं को आज भी याद करता हूँ। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना, दुख सहस्र जो जन पर भानो, नीलियो ताही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल लियांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं अगर आपका विश्वास आपके भगवान और अपने गुरु में हो। 15 साल हुए मैं बाबा जी के सान्निध्य में हूँ। जब से बाबा जी के सान्निध्य में आए हैं उसके पूर्व जो हमारी परिस्थिति थी, हम संकटों से घर से घिरा हुआ था, समस्याओं से घिरे हुए थे, तो ये उन्हीं की कृपा है। भगवान जी ने हमको यहाँ बुला कर 10 साल से बाबा जी की हनुमान जी की सेवा में लगे हुए थे। आज भी हम जिन भी समस्याओं से घिरे होते हैं तो बाबा जी के आशीर्वाद से हमारे आशीर्वाद जो मिलता है उसमें हमको हम क्या करेंगे आराम मिलता है, या जो उनको पूरी समाधान उससे हमारे प्राप्त हो। जब दिन हमको समस्याओं से घिरे होते हैं, मेरा परिवार बाबा जी, मेरा बेटा है जो है वो भी वकालत में है, ये प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट, बेटी है मेरी शीर्ष एडवोकेट सीरीज प्रैक्टिस बॉम्बे, तो एक बाबा जी का आशीर्वाद के कारण एक परिवार जो है हम बाबा जी पे छोड़ दिया कि जो भी है बस बाबा जी आप हमारी रक्षा करें। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आजा बिनु पैसारे, सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हापते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान श्री हनुमान के नाम का स्मरण करने भर से बड़े बड़े संकट टल जाते। भक्तों की माने तो मन्नत बाबा के दिखाए रास्ते पर चलकर ही वे श्री हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा जी से तो सुनते सुनते ही हम लोग जुड़े थे, और श्रद्धा की जहाँ तक बात है, एक कहा जाता है हिंदी में भी है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। दूसरी बात यह है कि मैं भी एक टीचिंग जॉब में हूँ, सुना सुनाई बात पर मेरा भी विश्वास नहीं है किसी भी चीज़ पर। मैंने महसूस किया है, मैंने 2 साल से पेन किलर हम खाते रहे और मेरे पैर में मेरी एक साइड से बहुत पेन होता था, और मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं वरदान, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर उसके बाद से वो पेन मुझे नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हम कैसे मान लें कि उनका प्रभाव नहीं है। नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत कबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। बाबा का कहना है हनुमान जी का स्मरण करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा नहीं, समस्याएं तो सबके पास है, कोई ऐसा नहीं बूढ़ा युवा अधेड़ कोई भी हो, हर आदमी के पास समस्याएं, और प्रभु जो है और देवता चित्त न धरे, और दूसरी हनुमत से सर्व सुख करेंगे तो फिर हनुमान जी की पूजा करोगे तो संकट कटे और मिटे सब पीरा। तो ये तो समझ की बात है कि आप कहाँ जाते हैं। चारों जग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत की दाता। बाबा कहते हैं कि हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, भारतीय धर्मों में आशीर्वाद ही विशेष होता है, आशीर्वाद चमत्कार करते हैं। भारतीय धर्म हीलिंग को नहीं मानते हैं, भारतीय धर्मों में केवल एक चीज़ होती है, वो होती आशीर्वाद, और संतों का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है वो आशीर्वाद ही होता है। अगर कोई गुरु जो आशीर्वाद नहीं देता है तो केवल प्रवचन दे रहा है तो वो तो कोरे आडंबरपूर्ण शब्द हैं। आशीर्वाद से ही चमत्कारों का आविर्भाव होता है, और आप किसी गुरु से क्या अपेक्षा करेंगे, कुछ तो मिरेकल होना ही चाहिए, देयर शुड बी सम मिरेकल, नहीं। हर आदमी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, तो संतों का यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो आशीर्वाद दें और काम घटित हो, दिस वॉज द बेटर। आप मेरा आशय समझिए।
भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता कितना भरे, हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी कोई सुपर हीरो नहीं है, हमारे देवता हैं, उनकी शक्तियाँ पार हैं, वे चमत्कारी हैं, वे हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। हमारे देवता हीरो नहीं है, हमारे देवता भगवान के समकक्ष है। पहले बात समझो, सुपर हीरो हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास पश्चिमी देशों में ऐसे कुछ हीरो आए जो हवा में उड़ रहे हैं। सो सुपरमैन, अरे ये क्या कहते हैं, बैटमैन और सुपरमैन, तो लोगों ने एक समानता ढूंढी, एक एनालॉजी ढूंढी कि हनुमान जी जो हैं वो भी सुपरमैन होंगे। ये हीरो नहीं है, ये हमारे देवता हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जय सिमरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव जिनाई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्ध साधी गौरी सा। दुनिया बहुत कठिन है, हमें आस्थावान बनना होगा, प्रभु की शरण में आए, अपने आप को रूपांतरित करें, हमें ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि भगवान हमसे ज्यादा स्मार्ट है। हम सारी चीजें खोज लेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज खोजना रह जाएगी, वो है ईश्वर की अनुभूति, और ईश्वर की अनुभूति के लिए आपको साधु संतों के पास जाना ही होगा, क्योंकि ईश्वर तक जाने का मार्ग गुरु ही दिखाते हैं। कि दुनिया बहुत कठिन है, जीवन खासा श्रम साध्य है, आइए थोड़े से आस्थावान बने, प्रभु की शरण में आए और अपने आप को रूपांतरित होते हुए देखें। हमें बहुत ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमसे कई गुना ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। हम सब जब हम सारी दुनिया को सारी चीज़ें हम खोज लेंगे, तो भी एक चीज़ खोजना बाकी रह जाएगी, ईश्वर की अनुभूति। वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, वो मुझे नहीं लगता कभी ये लीनियर साइंस कभी ढूंढ पाएगा। उसके लिए आपको साधु संतों के पास जाना ही होगा। ये लीनियर अप्रोच नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है, ये बार बार हर कोई कहता है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा, साइंस कम्फर्ट देता है, स्पिरिचुअलिटी शांति देती है। और दुनिया में आप कार खरीद लेंगे, थोड़े समय के लिए खुश होंगे, नई कार आ जाएगी, नया ब्रांड आ जाएगा, आपने एक एयर कंडीशनर खरीदा, कुछ दिन बाद नया एयर कंडीशनर आ जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और पीस ऐसी चीज़ है जिसमें नया ब्रांड नहीं होता, इट इज़ अल्टीमेट ब्रांड। तो अगर नई पीढ़ी के लोग, जो नई पीढ़ी के नहीं भी हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, डोंट बी सो स्मार्ट, आइए आस्थावान बनिए, श्री हनुमान का दर्शन करिए, प्रभु जमीन से प्रकट हुए हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए हैं। और ईश्वर हमसे हमेशा स्मार्ट रहता है, ये हमेशा हमें ओवर स्मार्ट करता है, ऐसा नहीं कि हम उनसे पीछे रहेंगे। तो नई पीढ़ी के लोगों को यह आस्थावान बनो, और थोड़े आध्यात्मिक बनो, शांत अल्टीमेट शब्द है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर कहीं ये नहीं लिखा गया ओम ईश्वर ईश्वर ईश्वर, हमारे धर्म ग्रंथों में साफ लिखा गया है ओम शांत शांत शांत, क्योंकि शांत जो है पहली सीढ़ी भी है, और एक इस तरह के संसार में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें ये एक अल्टीमेट शब्द। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तने संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरूप। हनुमान जी राम भगवान के भक्त थे, और यहाँ हनुमान जी के भक्त मन्नत बाबा, बहुत सारे भक्तों से आपने मन्नत बाबा की महिमा सुनी। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति जो आपको हमने दिखाई है, वो धरती फाड़ कर प्रकट हुई है। बिहड़ गांव में खेत के बीच में जब पौधारोपण हो रहा था, तो अचानक से एक शिला निकली जो हनुमान का रूप धारण किए हुए थी। तब से हनुमान जी को यहाँ विराजित किया गया है, अपार श्रद्धा भक्तों की यहाँ जुड़ी हुई है। हो भी क्यों ना, कहते हैं राम भगवान को भी जब संकट आया था, और सीता माता को जब वो रावण से मुक्त कराने के लिए युद्ध के ओर अग्रसर हुए थे, तो हनुमान जी ही राम भगवान का संदेश लेकर सबसे प्रथम सीता माता के पास गए थे, और उन्होंने संदेश दिया था कि श्री राम उनको लेने आ रहे हैं। तो हनुमान ने जब राम के कष्ट हरे, तो भक्तों के कष्ट वो हरते हैं। कहते हैं कि धरती पर श्री हनुमान जी ही हैं जो हैं हमारे बीच में, हमारे साथ धरती पर एक ही देव हैं हनुमान। तो हनुमान पर भक्तों की श्रद्धा, भगवान श्री हनुमान पर मन्नत बाबा की श्रद्धा ही है जो यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, और लोग इस मंदिर में आकर अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर पा रहे हैं। मैं शेफाली गुप्ता, कैमरामैन तरुण यादव के साथ, प्रकट भय हनुमान दरबार। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है।
क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।